गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कॉनिक सेक्शंस का डिफिनेशंस क्या होता है, डिफिनेशन के बारे में बताए थे। आज हम कॉनिक सेक्शन का है क्या, उसका कॉनिक सेक्शन में एसेंट्रिसिटी किसको कहते हैं, और एसेंट्रिसिटी का डिफरेंट वैल्यू जो होता है वह सेकेंड डिग्री के इक्वेशन को निर्धारित करता है कि वह कौन सा शेप बना रहा है, पाराबोला बना रहा है, हाइपरबोला बना रहा है, इलिप्स बना रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या सर्किल है। पांच तरह का सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होता है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले है कि प्लेन में कोई एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं। फिक्स पॉइंट जो होता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। प्लेन में एक फिक्स पॉइंट लेते हैं जिसको फोकस कहते हैं, और एक जनरल पॉइंट पी लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स और वाई ले लिए, इसको हम लोग जनरल पॉइंट कहते हैं। एफ फिक्स पॉइंट है। मान लो कि यहां का कोऑर्डिनेट हम अल्फा बीटा लिए, और एक क्या होता है कि एक फिक्स लाइन लेते हैं, फिक्स लाइन को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये फिक्स लाइन है, इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इसका इक्वेशन, मान लो कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हम लोग लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। लाइन है तो लाइन का इक्वेशन ले लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब पी से इस डिस्टेंस को ऐसे मिला दिए पी एफ, और यहां से दे दिए पी एम। कॉनिक सेक्शन के बारे में बताए थे, अभी हम एसेंट्रिसिटी बता रहे हैं। तो एसेंट्रिसिटी क्या होता है कि पी से एफ का डिस्टेंस और पी से एम का डिस्टेंस, दोनों जो रेशियो होता है उसी को हम लोग एसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा कि पी एफ बाई पी एम को हम लोग एसेंट्रिसिटी कहते हैं। एसेंट्रिसिटी इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। अब कंडीशन इसमें है कि ए रेशियो फर्स्ट में है कि E इक्वल टू अगर इन्फिनिटी हो जाए, यानी कि पी एफ बाई पी एम का वैल्यू जो है वह इन्फिनिटी आ जाए। इन्फिनिटी तब आएगा यानी कि पी एम जीरो के बराबर हो जाएगा, तो इन्फिनिटी आएगा। तो सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन है, जब भी हम लोग पढ़ते हैं कॉनिक सेक्शन में तो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन पढ़ते हैं, तो इन्फिनिटी आएगा। तो यह जो शेप देगा यह होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का होगा। सेकेंड में है कि E इक्वल टू अगर जीरो आ जाए, एसेंट्रिसिटी का वैल्यू यानी कि पी एफ बाई पी एम का रेशियो जो है वह जीरो के इक्वल हो जाता है, तो वैसी हालत में ये बनाता है, इस शेप जो बनाएगा वह होगा सर्किल का शेप होगा। थर्ड में है कि ई इक्वल टू अगर वन आ जाता है तो ए शेप जो होगा वह पाराबोला का होगा। वन का मतलब किसका, पी एफ बाई पी एम का वैल्यू अगर वन है तो ये पाराबोला का शेप होगा। और फोर्थ में है कि ई ग्रेटर देन वन है तो इलिप्स का शेप होगा, और ई फाइव में है, ई लेस देन वन अगर है तो यह हो जाता है हाइपरबोला का शेप। तो सेकेंड डिग्री का जितना भी इक्वेशन आप पढ़ते हैं वह सब के सब इसी पांच शेप में आता है। या तो वह पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन होगा, या वह सर्किल होगा, पाराबोला का केस होगा, इलिप्स और हाइपरबोला। तो ये पांचों केस निर्भर करता है एसेंट्रिसिटी पर। एसेंट्रिसिटी क्या है कि पी एफ बाई पी एम ए रेशियो जो कहलाता है, वह रेशियो में अगर ई इन्फिनिटी वैल्यू देता है तो पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन होगा, ई इक्वल टू जीरो होगा तो सर्किल हो जाएगा, ई इक्वल टू वन है तो पाराबोला होगा, ई इक्वल टू ग्रेटर देन वन है तो इलिप्स होगा सेकेंड डिग्री का इक्वेशन, और ई लेस देन वन है तो हाइपरबोला हो जाएगा। ये बात हम लोग का वो स्पष्ट हो गया। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे इसमें कि सभी पाराबोला का हो चाहे हाइपरबोला का हो इलिप्स का हो, सभी का एक इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। तो इक्वेशन इसी रेशियो से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या इसमें निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉनिक। इक्वेशन ऑफ कॉनिक निकल जाए और उसमें हम वैल्यू वन वन जीरो ग्रेटर देन लेस देन कर देंगे तो वहां से भी हम नियर अबाउट में पहुंच जाएंगे कि इलिप्स का हम निकाल रहे हैं कि पाराबोला का निकाल रहे हैं। लेकिन जनरल इक्वेशन कॉनिक का क्या होगा ये चीज हम लोग बता रहे हैं। इक्वेशन ऑफ कॉनिक, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, तो देखिए क्या होता है कि पी एफ बाई पी एफ बाई पी एम इक्वल टू क्या लेते हैं, ई एसेंट्रिसिटी लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी एफ जो है वह पी एम ई इंटू पी एम के बराबर होगा। अब देखिए पी एफ का डिस्टेंस फार्मूला से क्या लिख सकते हैं कि रूट अंडर ए एक्स माइनस हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर,
प्लस हो जाएगा वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ई इंटू। अब देखिए पीएम डिस्टेंस, तो पीएम डिस्टेंस के लिए आपको पिछले क्लास में बताया था कि कैसे निकालते हैं, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है तो पीएम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बाई एक्स का कोफिशियंट का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई के कोफिशियंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, पिछले क्लास में बताए भी थे। तो ए हो गया कोनिक का एक्सटेंशन जो कि रूट में है, तो इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायर कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ई का स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो गया विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक, एक कोनिक का हो गया। इसमें सेंटर फोकस अल्फा बीटा पर है या कहाँ पर है इससे हमको कोई मतलब, कहीं भी होगा तो इस तरह से हम लोग प्रत्येक कोनिक का इक्वेशन निकालेंगे। आज के क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पाराबोला के बारे में।